आपको अब इसमें सिंप्लीफिकेशन करना है। एडिशन आपने देख लिया है इसका कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। लाइक सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपसे बोला था, सबसे पहले हम इसमें जहाँ कहीं पर भी दो साइन आपको एक साथ दिखाई दें उसको एक साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 2 upon 8 plus 8 upon 3 plus minus minus 11 upon 15 plus 4 upon 5 plus minus 2 upon 3। इतना करने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप था एलसीएम का, ठीक है। सेकेंड स्टेप था हमारा एलसीएम का, तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं, 3, 5, 15 and 8। तो देखिए 3 and 5 का एलसीएम तो खुद ही 15 हो जाता है, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद 15 and 8 कभी किसी टेबल में एक साथ नहीं आते, तो आप इनका डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं एलसीएम लेने के लिए। 3, 5 जा 40 एंड दिस इज 120। देखिए 120 कैसे आएगा, मैं आपको इस मेथड से भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से लेंगे, 3 1 जा 3 5 8 3 5 जा 15, 5 से काटे हैं आप इसे, और उसके बाद 8 जो है वो 2 से कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 4 जा 8 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 3 5 जा 15 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 3 into 8 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 120। वही बात मैंने आपको इन शॉर्ट समझा दी, 3 and 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा 15, 15 और 8 किसी टेबल में एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए इनको भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। फिर भी जिनको ये मेथड समझ में नहीं आता है वो अपना एलसीएम उस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इन सब को क्या करना है, 120 में बदलना है, राइट। तो अभी हमने यहाँ पर किया था 3 into 5 2 into 2 into 2, और इन सब को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 120, राइट। अब यहाँ क्या है, 8, यहीं से देखते हैं, देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इसको अलग निकाल लीजिए। 8 को किससे मल्टीप्लाई किया है तो 120 मिलेगा, 15 से, 5 3 जा 15, ठीक है। इसी तरीके अगर 8 को 15 से मल्टीप्लाई करने पे 120 मिलता है, तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 120 मिलेगा, राइट। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद दूसरा है 3, तो 3 को हटा दीजिए, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40, यहाँ भी 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसी तरीके से 5 से 5 हटा दें, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, देखिए सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 120 हो गए। सबके डिनोमिनेटर चेंज हो गए, सबके न्यूमरेटर भी चेंज होंगे। चलिए न्यूमरेटर चेंज कर देते हैं हमें, राइट। इस बात को ना बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है और मैं चाहती हूँ कि आपको ये चीज़ जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने जो गलतियाँ देखी हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स जो है एलसीएम निकालना तो सीख जाते हैं मगर डिनोमिनेटर्स चेंज कर देते हैं, मगर न्यूमरेटर्स को बिल्कुल चेंज नहीं करते, एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इस बात को आप याद रखेंगे कि अगर आपके डिनोमिनेटर्स चेंज हो रहे हैं तो न्यूमरेटर्स भी चेंज होंगे। 15 2 जा 30 plus 4 8 जा 32 320, 11 8 जा 88 96 minus 80, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितने प्लस वाले नंबर्स हैं मैं उन सबको एक साथ ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। 30 plus 320 plus 96 320 96 and 36 9 10 11 12 13 14 एंड दिस इज 446, ठीक है। उसके बाद आप दो नंबर्स देखिए, -88 and -80, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड कर दीजिए
और साइन कौन सा लगेगा, बड़े नंबर के आगे का, माइनस 168 होल अपॉन 120। ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों को आपने सिंपली आपको दिख रहा है कि माइनस करना है, तो 446 में से 168 को माइनस कर दिया। सो दिस इज 8, 13 माइनस 6 इज 7, 3 माइनस 1 इज 2। 278 होल डिवाइडेड बाई 120। लेकिन अभी ये कैंसिल हो सकते हैं किससे, 2 से, 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6, 2 नाइन ज़ा 18, 2 सिक्स ज़ा 12 एंड 0। 139 अपॉन 60, इसका आंसर क्या होगा, 139 अपॉन 60। अच्छा, अगर आप इसको इस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमने इसे प्लस के नंबर्स को कैसे ऐड किया है और माइनस के नंबर्स को कैसे ऐड किया है, तो इसको हम कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, ये तो इसका फाइनल आंसर है, राइट। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि प्लस के नंबर्स को हमने एक साथ ऐड कर लिया, माइनस के नंबर्स को हमने एक साथ ऐड कर लिया और उनको फिर सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो आप स्टेप वाइज कर सकते हैं। आप 320 में 30 प्लस कीजिए, फिर उसके बाद उसमें से 88 माइनस कीजिए, फिर उसमें 96 प्लस कीजिए और फिर लास्ट में उसमें से 80 माइनस कर दीजिए, तो आपको यही आंसर मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसको ध्यान से देख लें और समझ लें।